आज से ठीक एक साल पहले 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद की बेटी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता तोमर की कॉलेज गेट के सामने बदमाशों द्वारा असफल अपहरण के प्रयास के बाद गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस दिल दहला देने वाले नृशंस हत्याकांड में बलिदान हुई बेटी निकिता तोमर की प्रथम पुण्यतिथि 26 अक्टूबर 2021 यानी आज है। इस अवसर पर निकिता तोमर ट्रस्ट व विविध सामाजिक संगठन ने श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा के रूप में इस दिन को आयोजित किया। ये आयोजन अग्रवाल कॉलेज का गेट मिल्क प्लांट के पास बल्लभगढ़ में किया गया और श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा का आयोजन महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 8 फरीदाबाद में किया। इस मौके पर छात्रा निकिता तोमर के अपना घर सोसाइटी निवास स्थान पर हवन भी किया गया। तो उसने उसको गोली मार दी, कैसे रक्षा होगी हमारी बहन बेटियों की, ये बड़ा सोच का विषय है। बेटी बलिदानी हो गई लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ गई, वो प्रश्न क्या है कि हम अपनी बहन हम अपनी बेटियों की रक्षा करेंगे कैसे। हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो वो एक ऐसा दिन था कि जो हम कभी भूल नहीं सकते। फिर लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम इतना लड़ क्यों रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आ गया है, हमने हाई कोर्ट में भी डाला है अब फांसी के लिए, तो हम लड़ क्यों रहे हैं इतना। लड़ने से क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी। लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ये और जो बहन बेटियाँ ये सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वो कल को बाहर आएंगे किसी और को निकिता तोमर बनाएंगे, या फिर वो भी नहीं आएंगे तो कोई और उनसे प्रेरणा लेके किसी को निकिता तोमर बनाए, तो कोई और निकिता तोमर ना हो। हम इसलिए इतना लड़ रहे हैं। लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे कैसे भी हो, लोगों को इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सिर्फ दो तीन उद्देश्य हैं, तीन। पहला कि उनको फांसी से कम कोई सज़ा ना हो, इसलिए हाईकोर्ट में भी डाला हुआ है हमने केस। ज़रूरत पड़ेगी अगर हाईकोर्ट से हमारे अकॉर्डिंग फैसला नहीं आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे। दूसरा के जो ये वारदात हुई है, ऐसी वारदात आगे ना हो, दूसरा हमारा यही मोटिव है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई खट्टर सरकार कानून बनाए, ये तो हिंदुओं की सरकार है तब इतना टाइम लग रहा है कानून बनाने में, पता नहीं इन सरकार में बनेगा भी या नहीं बनेगा। लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और तीसरा, बहन जिस सम्मान के लायक है उसको वो ब्रेवरी का सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारे तीन उद्देश्य भी हैं। नवीन, ये पहले भी मांग रखी गई थी आपके परिवार की ओर से, आप लोगों की ओर से, तो क्या इस पर थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ गवर्नमेंट की ओर से? सर, इस पर बिल्कुल उदासीनता देखने को मिली है, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, बिल्कुल उदासीनता देखने को मिली है। और आगे भी सरकार का तो मन यही है कि आगे भी कुछ ना हो। आप देख दें कि हर दूसरे सप्ते में, और बहुत सारे भाई खड़े हैं, हर दूसरे सप्ते में यहाँ पर ऐसे केस सुनने में आ जाते हैं, FIR तक नहीं लिखी जाती है उनकी, उनको दबाव बढ़ाना पड़ता है, लोग डर के मारे केस नहीं लड़ते। और हमारे अपोजिट पार्टी तो सब जानते हैं कौन है, हम फिर भी लड़ रहे हैं बिना डर के। तो लोगों को समझना चाहिए, ये आज हमारे घर की बात नहीं है, कल को किसी के दूसरे के घर में होगा, परसों को किसी और के घर में भी होगा।